देखिए दोस्तों, ये हमारा बाथरूम का जो है नल का टोटी कहिए या नल कहिए, ये टूट चुका है। तो ये इसका जो हैंडल है ये टूट गया है, तो इसको कैसे रिपेयर करते हैं, कैसे ये खुलता है। देखिए इसको बहुत दिक्कत हो रही है इसको खोलने वोलने में, क्योंकि ये ऊपर का जो है ये टूट चुका है और इसमें काफ़ी पतला वाला लगा है। और इसमें का अगर आप हैवी लगवाना चाहते हैं तो लगभग 50 से 60 रुपये का मिल जाता है, ऐसा मिलेगा आपको। ठीक है, ये पतला वाला लगा हुआ है, इसमें का हैवी है ये, मतलब थोड़ा सा हार्ड है ये, मोटा है। और या फिर आप ऐसा लगवाएंगे तो लगभग आपको 80 से लेकर के आपको 100, 120, 130, 140 इसमें का मिल जाएगा। अलग अलग ब्रांड के आते हैं, 180 तक भी चला जाएगा और भी महंगा जाता है। तो इसको जो है इस चाबी से कसते हैं, ठीक है। अगर ये चाबी नहीं रहेगा तो इसको नहीं कस पाएंगे। पीछे एक जो है हल्का सा नट की तरह होता है, उसको जो है पेच की तरह होता है, उसी से इसको टाइट करते हैं। और अगर आपको इसको लगाना है, दोनों लग जाता है, लोहे वाले में भी ये लग जाता है, स्टील वाले में भी ये लग जाता है, दोनों में लगता है। देखिए इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें पेच जो होता है इसको खोलते हैं। देखिए हम खोल रहे हैं, ऊपर ये पेच होता है और एक उसमें छेद होता है, आपको मैं अभी दिखाता हूँ। पहले इसको खोल लेते हैं, देखते रहिए। तो इसको खोलेंगे तो एक नट होता है, वो देखिए पेच होता है एक, इसी के दम पे कसा गया रहता है। और फिर आप इसको निकाल लीजिए, निकल गया, ये टूटा हुआ है, ये इसी में का हैवी वाला। देखिए ऊपर जो है छेद, देखिए ध्यान से देखिए, ये जो छेद है इसी में आप चाहें तो कस सकते हैं, या फिर वो स्टील वाला जो है ना, जो मैं बोला था कि 80 से 120 40, उसको भी आप लगा सकते हैं। लेकिन इसमें वही लगाएंगे, लोहे वाला ये है तो 60-70 का जो आता है वो लगाइए, या फिर आप अधिक का भी लगा सकते हैं। तो यही लगा लेते हैं, 50 का हमको पड़ा है, 50, 60, 70 ऐसे अलग अलग टाइम पर अलग अलग मिलता है। तो इसको लगा लेंगे, थोड़ा सा ठोक लेंगे। देखिए इसमें बीच में कैप भी आता है, तो कैप हमारे पास है नहीं, तो ऐसे भी आप लगा लीजिए, उतना ख़राब नहीं लगता है। और उसके बाद ये पेज जो होता है उसको रख लेंगे, और रख करके स्क्रू को टाइट कर लेंगे, जो पेच है स्क्रू जो है उसको टाइट कर लेंगे। देखिए कैसे टाइट होता है। कई लोग कहेंगे पेच जो है दिखता है तो बहुत ख़राब लगता है। देखिए पेच कस करके एक जो है ढक्कन नुमा कैप एक दे रखा होता है, उसको फिर उसके ऊपर से रख देते हैं और दबा देते हैं। एक दो बार मार भी सकते हैं आप उससे पेचकस से, या हाथ से ऐसे दबा देंगे तो वो अंदर हो जाता है, फिर वो दिखता नहीं है, जो पेच है वो दिखता नहीं है। अभी आपको दिखाते हैं, थोड़ा टाइट कर लें। तो अब हम टाइट कर चुके हैं, देखिए यही है, इसको आप यहाँ पे रख दीजिए और दबा दीजिए। देखिए दबा दिया हमने, ठोक दिया थोड़ा सा, हो गया। अब देखिए अप डाउन 3D वाला आपका अप डाउन। अब आप खोल सकते हैं आराम से, हमने पानी बंद कर रखा है तो अब आपका काम हो गया। इसे भी आप लगा सकते हैं, लेकिन इसको आप लगाएंगे, ये थोड़ा महंगा आता है, 120 का है ये, 120, 140 ऊपर भी मिलता है अलग अलग कंपनी का, तो इसे भी आप लगा सकते हैं। देखिए जैसे ये स्टील का टोटल है तो इसमें हम इसको लगाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर छेद है, तो जैसा अभी हमने लगाया था हैंडल वैसा भी आप लगा सकते हैं, ऐसे रखेंगे और वो पेच ऊपर से कस देंगे और वो ढक्कन लगा देंगे। लेकिन अभी हम ये थोड़ा स्टील का है, अच्छा है, तो इसमें थोड़ा सा अच्छा लगा देते हैं। तो आप देखिए इसको इसको भी आप वो देखिए, सब में बीच में छेद जरूर रहता है, कई लोग कहेंगे कि छेद नहीं रहेगा, तो लोहे वाले में था तो स्टील वाले में क्यों नहीं रहेगा। तो इसको इससे कसते हैं, तो छेद में आप करके या तो पेच से जैसे हमने पुराना वाला दिखाया वैसे लगा सकते हैं, वो वाला अगर आपको मिल जाता है 60, 50, 60 के आसपास, 40 का भी मिल सकता है आपको, या फिर आप ऐसा महंगा वाला लेके आइए, उसमें लोहे वाले में भी ये लगा सकते हैं और स्टील वाले में भी। तो हम स्टील वाले में आपको लगा करके दिखा रहे हैं, देखिए गिर जा रहा है ये बार बार। तो इसमें आप इसको कस सकते हैं, देखिए ऐसे रख दिया। अब इसमें कोई छेद में लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप रखिए, ठोकिए हल्का सा, इस पर कैप भी आता है, कैप इसको करके ढक सकते हैं, हम ढक नहीं रहे हैं, कैप आप चाहें तो उसमें ले भी सकते हैं और उसके एक्स्ट्रा पैसे देने होते हैं। ये गिर गया तो आप उसके दे सकते हैं, या फिर जो है आप ऐसे भी कई में सेट भी आता है। तो देखिए सिर्फ हम आपको करके दिखा रहे हैं, तो ये ऐसे करके आप टाइट कर दीजिए, और ये देखिए बप्पा घूम रहा है आसानी से, देखिए इधर खुल गया बंद हो गया, अप डाउन 3D वाला आराम से आप कर सकते हैं। और टोटी कैसी कसी जाती है इसमें तो बताने नहीं है, इसमें कैप लगा देना है और घुमा घुमा के टोटी कसा जाता है, ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं नल कैसे कसा जाता है। तो वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। ये हैंडल आपको 60, 40, 50, 120 में मिल सकता है।